हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रूम का एंट्री डिजाइन आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे किया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जो कि हम अपने घरों में वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा सीलिंग डिजाइन देख लेते हैं कैसे किया है। कोप बनाई है, कोप बनाई है, जो कोप बनाई है यहाँ पे हम लाइटिंग एलईडी स्ट्रिप यूज करते हैं, जैसी भी हमको पसंद आती है। चारों तरफ घुमा देते हैं कि देखिए अलग से एक डेकोरेशन बनती है। ये सामने वाले पे पिक्चर है और ये फर्नीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेड है, ये सामने तरफ पर्दे लगे हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लाइटिंग है, थोड़ा उधर से भी दिखा देते हैं। ये इस तरफ से ऐसे है, सीलिंग ऐसे है, डेकोरेशन जो है ऐसे है। ये ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं पड़ते, आप भी अपने घरों में ये ऐसे सीलिंग का जो ये डिजाइन है आप अप्लाई कर सकते हो, सीलिंग वाले को बुलवा के करा कर सकते हो। जैसे दीवार पे टीवी है, बिल्कुल जो आपका बेड है बेड के बिल्कुल सामने। ठीक है, और ये आपकी एक कपबोर्ड है, अलमीरा है जिसमें आप सामान रख के ना यूज कर सकते हैं। टीवी आपका। अब थोड़ा आपको वॉशरूम का भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ये टॉयलेट पेंट्री मतलब किचन की जो डोर फ्रेम होता है, ये इसका जो स्टैंडर्ड साइज 2.5 फुट होता है ये है। ठीक है, दूसरा चीज, जब भी आप दरवाज़ा लगवाते हैं तो ये जो हैंगेज आप लगवाते हैं, एक चौखट में आता है, डोर फ्रेम में आता है, दूसरा डोर में आता है, तो ये गला के छिला के ये देखो इस तरफ से ये कटिंग करके ये लगा रखा है ताकि दरवाज़ा लटके ना। बिल्कुल ऐसे फ्लैट में इस सरफेस से लगा देता तो दरवाज़ा लटने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे वो ऐसे ही कटवा के इसके सरफेस में लगवाएं, ये याद रखना आपको। ये तो टाइल दिखा देता हूँ अंदर का, जो आपकी टाइलिंग है। ये अंदर ही फिटिंग्स हैं, चैनवेयर, ये आपका दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे थोड़ी सीलन सी आई है, सीलन आने के भी कई चांसेस है, चाहे तो जो कोई मतलब सीलन जहाँ पे आती है तो वाटर प्रूफिंग जरूर करा लें। थोड़ा टाइल का बता देता हूँ, जब भी आप टाइल कहीं पे लगवाओ तो आप जरूर ढांके कि जो आपका कॉर्नर से कॉर्नर जो है वो जरूर मिला हो। अगर कॉर्नर से कॉर्नर नहीं मिला है तो जो आपकी टाइल है वो जो कट जाता है, जो गैप है ये जो है ये बिल्कुल मिला होना चाहिए, बिल्कुल इस एंगल में बिल्कुल मिला होना चाहिए, कहीं भी इतना 1 mm का भी फर्क ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान है, टाइल ज़्यादा बेंड ना हो, अगर ज़्यादा बेंड है तो उसको वापस कीजिए और अच्छी क्वालिटी की टाइल जिसमें बेंड कम से कम हो, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बस यही था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।